ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानुतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपात् मम वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्द माधवम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातकालीन कक्षा में। तो जैसे कि हम चैतन्य मंगल सीरीज पढ़ रहे हैं और पिछले सत्र में हम आदि खंड का पहला अध्याय पढ़े थे और आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे बाल्य लीला, जो कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जो लीला है उसको शिलोलोचन दास ठाकुर इस अध्याय में जो है प्रकाश डाले हैं उसके ऊपर। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो शिलोलोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, ए मत दिने दिने सचिर कुमार बाड़ ए शरीर ये न अमृतेर धार कि दीब उपमा तार नादिले से नारी खलबल करे प्राण कहिले से पारी। दिन प्रतिदिन सचि का पुत्र बड़ा होने लगा। सचि के लिए यह अमृत की फुहार की के तुल्य था। मैं उसकी तुलना कैसे करूं, किससे करूं? चैतन्य जो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, मैं उसकी तुलना किससे करूं? मैं उसकी तुलना किसी से नहीं करूंगी। सची माता कह रही है, जो कि लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं, मुझ में ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है, फिर भी मेरा अधीर हृदय कहता है कि मैं तुलना करूंगा। तो भगवान के रूप को कई बार हम चंद्र के साथ या कमल के साथ करते हैं, लेकिन माधुरी कादंबिन में एक भक्त जब भगवान जी का दर्शन करता है तो फिर वो कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, आपको जो है आपके मुख को
चंद्र के साथ या कमल के साथ तुलना करके। ऐसे देखा जाए तो भौतिक जगत में मतलब सबसे अच्छा देखने वाला सुंदर चीज़ जो है वो कमल है। इसलिए भगवान जी को के कई अंगों को कमल के साथ तुलना की जाती है, लेकिन देखा जाए तो कमल भी इस लायक नहीं है भगवान की उस चीज़ों को तुलना करने के लिए। तो इसलिए भक्त कहते थे ओहो, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर लिया था, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया था कि आपको जो है चंद्र के साथ तुलना कर रहा था। चंद्र जो कि जिसमें कलंक है, जो कि समुंदर से उत्पन्न हुआ था, समुंदर जैसे खारा जल से जो उत्पन्न हुआ था, और फिर जो है हम कमल के साथ तुलना कर रहे थे। तो जबकि ये सब है नहीं, आप मतलब आपका जो रूप है वो तो बहुत ही है ना, ये सबसे ऊपर है। कमल क्या है, एक भौतिक चीज़ है, देखा जाए तो भौतिक जगत में एक सुंदर चीज़ है। तो इसी प्रकार यहाँ पे लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तुलना किससे करूँ, नहीं कर सकता मैं, फिर भी मेरा ऐसा हृदय कहता है कि मैं तुलना करूँ। तिनिशोल कला पूर्ण इंदुमुख चंद्र साधे देखी बारे धाय जनमेर अंध। उनका मुखमंडल शाश्वत पूर्ण चंद्रमा के सदृश था, यहाँ तक कि जन्म से अंधे व्यक्ति भी उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। जो जन्म से अंधे हैं वो भी कहेंगे कि हम भी दर्शन करें। जैसे सूरदास जब जाते थे भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, मतलब रोज़ जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ, कुछ लड़के बैठे हुए थे वहाँ पे, बोले बाबा सब तो रोज़ आते हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए, तो आप क्यों आते हैं? क्योंकि सूरदास जो है अंधे थे। तो सूरदास जी कहा कि मैं अंधा हूँ, भगवान तो अंधे नहीं है ना, तो भगवान तो ये तो देख पाएंगे ना कि मेरा नौकर आया था और हाजिर लगा के गया है, तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा तो भगवान तो मुझे देख पाएंगे ना। तो फिर वो जो है लड़के लज्जित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि जो जन्म से अंधा व्यक्ति वो भी क्या करने लगेगा, ये अगर सुनेगा तो वो भी दौड़ने लगेगा भगवान जी को का मुख को दर्शन करने के लिए। आवे से अधरे आध मुच की हासीते आमियार सागर ये न हिलोल सहिते। उनके अधरों पर अर्ध मुस्कान वास करती थी, वो अमृत सागर की तरंगों के समान था। उनके लालिमा युक्त नेत्र अमृत से ओतप्रोत था, उन नेत्रों की को अलंकृत करने वाला काला काजल रूपी अमृत उस अथाह अमृत को उमड़कर बाहर जाने से रोकने के लिए निर्मित बांध के सदृश था। साध्वी सची तथा भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेह पूर्वक एक टक निहारते रहते थे। एक क्षण वो हंसता था तो तथा दूसरे ही क्षण वो विलाप करने लगता। अगले क्षण उसे किसी वस्तु की चाह होती तथा उससे अगले क्षण वो सची माता की गोद में बैठ जाता। उससे अगले क्षण वो झूले पर चढ़ा मिलता। सची माता के वक्ष स्थल पर अपने चरणों को रखकर वो हवा में घूमती स्वर्णिम लता के सदृश आगे पीछे झूलने लगता था। उनके नेत्र बहुत लंबे थे, उनकी कोलाहलपूर्ण हंसी मनोरम और आकर्षक थी। उनके अधरों पर अमृत धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। उनके नाक तोते की
चोंच के समान आकर्षक थी और उनके कपलों चमकदार थे। 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 महीने व्यतीत हो गए तब नामकरण उत्सव तथा अन्नप्राशन उत्सव का दिन आया। जैसे संस्कार होते हैं ना, हाँ, 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें जो है पहला संस्कार है जन्म संस्कार, फिर जो है नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये संस्कार का समय आ गया। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह को अनेक आभूषणों से सुशोभित किया। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, अपनी भुजाओं पर बाजूबंद, अपने गले में मोतियों का हार, अपनी कमर पर एक सुनहरी करधनी तथा अपने पाँव में पायल पहनी। तो ये सब अलंकार जो है पहनाया गया उस उत्सव के दिन। उनकी हथेलियाँ तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे। उनके अधर बंधुली पुष्प के सदृश थे। उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। उनके गौर अंग आकाश की बिजली से धूल धूले प्रतीत हो रहे थे। उनके अंग इतने अधिक चमकदार थे कि मुझमें तो उनकी ओर देखने की भी शक्ति नहीं है। उन्हें विश्वंभर नाम दिया गया। बोले विश्वंभर की जाए, जिसका अर्थ है समस्त लोकों का पालन करता। देवी सरस्वती के विद्वान अनुयायी कहते हैं कि यह शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। अपने माता पिता के हाथों को पकड़कर वो बालक एक पल के लिए 2 कदम लड़खड़ाते हुए चला और फिर गिर गया। उस बालक ने आधे आधे अक्षर बोलकर बाल क्रीड़ा प्रदर्शित की। उसके टूटे फूटे शब्द चंद्रोदय द्वारा क्षुब्ध सागर में अमृत तरंगों के सदृश थे। समय बीतने के साथ वे आंगन में चलने लगे। विश्व के लिए वे शांतिदायक शीतलता लेकर आए। उन्होंने जगत के जोर से आक्रांत कष्टों का विनाश कर दिया। देवी लक्ष्मी द्वारा उपासित उनके चरण कमल अब पृथ्वी की गोद में निवास करते हैं। प्रेम से पूरित पृथ्वी देवी अब स्वयं को भूल गई है। तो भगवान जी का चरण जो है वो क्या हो रहा है, अब पृथ्वी के ऊपर पड़ने लगा। अब जब पृथ्वी के ऊपर भगवान जी का चरण पड़ता है तो पृथ्वी जो है अपने आप को भूल जाती है। और देवी लक्ष्मी द्वारा उपासित भगवान जी का चरण जो है, लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती रहती है उस जो है चरणों को। आकाश में तो केवल एक ही चंद्रमा चमकता है, किंतु पृथ्वी पर अब 10 चंद्रमा चमक रहे हैं। उनके प्रकाश के कारण अब अंधे व्यक्तियों को भी नेत्र प्राप्त हो गए हैं। उनकी आँखों की भी रोशनी वापस आ गई है। ये 10 चंद्रमा भगवान गौर की अंगुलियों के अग्रभाग है। 10 चंद्रमा किसको कहा जा रहा है? भगवान जी के 10 नाखून। उन्हें देखकर विवेक शून्य वो निर्मोही पापी व्यक्ति भी भाग्यवान बन गए हैं, अर्थात तो उसके हृदय में का अंधकार भाग गया है। जब वामन भगवान जब दूसरा पग उठाए थे ना, तो दूसरा पग जैसे ही उठाए थे तो वो इतनी तेजी से उठा लिए कि ये ब्रह्मांड भी छेद हो गया। और जब वो उठाए थे तो उनका जो नाखूनों से इतना रोशनी निकल रहा था, तो ब्रह्मलोक में लाइट सिस्टम फेल हो गया है कि नहीं? जैसे यहाँ पे भी लाइट सिस्टम होता है ना रात में, लेकिन दिन होता है तो लाइट सिस्टम सब फेल हो जाता है कि नहीं?
तो उसी प्रकार उनका जो है ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक में जो लाइट सिस्टम था वो फेल हो गया। तो ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसा कैसे हो गया, आज पहली बार जो है मेरा लाइट सिस्टम फेल कैसे हो गया। तो बाहर आके देखे तो भगवान जी का जो उंगली के नाखूनों से जो है वो लाइट निकल रहा है। और जैसे ही ब्रह्मांड छेद हुआ तो बाहर से जो वैतरणी है वैतरणी बहने लगा, तो वो जो है कमंडल में भर लिए थे। ब्रह्मा जी जो है उसको भर लिए और भर के वही फिर बाद में गंगा जी के रूप में आता है। तो यहाँ पे तो उसी को वर्णन कर रहे हैं कि जो है 10 चंद्रमा है, इसका मतलब क्या है, 10 जो है नाखून है। भगवान गौर का चांद सदृश मुखमंडल कितने करोड़ों चंद्रमाओं का राजा है। कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनकी भवों की आराधना करते हैं। और अधिक मैं क्या कह सकता हूँ, भगवान गौर का कृपा रूपी चंद्रमा हृदय के अंधकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो उनकी कृपा को भी लोचनदास ठाकुर क्या किससे तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा के है ना, चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं कि उनकी कृपा रूपी तुलना जो है, कृपा रूपी चंद्रमा वो जब हृदय में आता है या जो है प्रकाश डालता है तो हृदय के अंधकार भी जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उस अंधकार में विरोध करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। भगवान गौर के बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। यद्यपि वे लीलाएं एक साधारण बच्चे के कार्यकलापों के समान प्रतीत होती है, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती है। थोड़े ही समय में भगवान गौर के अग्रज विश्वरूप समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु के निमाय के जो बड़े भाई थे उनका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप जो है बहुत जल्दी क्या हो गए, उनका बहुत ही एक्सपर्ट बन गए सारे शास्त्रों में। उनकी महिमा व गौरव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है। उनके अनुज छोटे भाई विश्वंभर भगवान महाप्रभु जो है दिन प्रतिदिन भगवान गौर अपनी कृपा प्रकट करते रहे, यह सुनकर श्री लोचन दास ठाकुर अपने हृदय को आनंद से परिपूर्ण अनुभव करते हैं। हे चांद चांद ऊपर नभ में चमकते चांद नीचे आओ, मैं तुम्हारे दाग धब्बों को मिटाकर साफ कर दूंगा और तुम्हें गौर के कपालों का एक अद्भुत व विस्मयकारी आभूषण बना दूंगा। इसी प्रकार लोचनदास ठाकुर किस को कह रहे हैं, चांद को कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे में तो कलंक है। तो आप जो है नीचे आ जाइए तो मैं क्या करूँगा, गौर के मुख में आपको एक अलंकार बना दूंगा। हे 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 मेरे स्वर्णिम पुत्र निमाई, तुम एक वस्तु की मांग करते हो, तुम्हारी मांगे अमृत से भी अधिक मधुर है। निमाई के पिता केले तथा दूध लेकर आएंगे, देखो तुम्हारे पिता आएंगे। हे दुष्ट बालक, शिकायत करना बंद कर दो और अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। मतलब सची माता इस प्रकार निमाय को डांटती है। हे स्वर्ण कमल के समान मुख वाले बालक, हे लाल कमल पुष्पों के सदृश नेत्रों वाले बालक, हे चमकते तारों के समान आधे बंद नेत्रों वाले बालक, तुम्हारी आंखें मधुर शहद के सागर में तैरती हुई दो काली मधुमक्खियां के सदृश है। थोड़ा इको कम कर देना इसका। सूती रजाइयों के साथ नरम शैया तैयार करने के पश्चात सची देवी ने अपने पुत्र को अपने बाहों में पकड़े हुए अपने साथ लिटाया और सो गई। उनके एक स्तन से बालक ने अपने मुख से दूध पिया और तथा दूसरे स्तन को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया
लोचन दास कहते हैं, समस्त देवताओं के शिरोमणि ने एक छोटे बालक के समान अभिनय किया। कृपया भगवान गौर के इन यशस्वी व गौरवपूर्ण गीतों की को सुनिए। अद्भुत कथाओं से पूरित गीत कानों के लिए शुभ व मंगलकारी पवित्र भगवान नामों से पूरित गीत है। कृपया ध्यानपूर्वक एक अन्य दिन की कथा सुनिए। भगवान गौर ने अपनी वास्तविक पहचान का रहस्य कैसे प्रकट किया उसकी कथा सुनिए। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि एक दिन की कथा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक गृह जगन्नाथ गृहांतर सची पुत्र कोले करी सची सुखे सुती आछी। एक कमरे में जगन्नाथ मिश्र थे और दूसरे कमरे में सची देवी अपने पुत्र को अपने बाहों में लिए प्रसन्नतापूर्वक सो रही थी। खाली कमरा कितने ही सिपाहियों से भर गया, यह देखकर सची देवी भयभीत हो गई। अचानक जो है कई सिपाही आ गए घर में। इन देवताओं ने सची देवी की बाहों में से भगवान गौर को ले लिया तथा उन्हें एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। देवता लोगों ने उनका अभिषेक किया और विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना की। फिर उन्होंने भगवान गौर की परिक्रमा की, उनके समक्ष नतमस्तक हुए तथा उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। कौन? देवता लोग। शंख घंटा ध्वनि सबे करे बार बार, जय जय ध्वनि सबे करी छे विस्तार। उन्होंने बारंबार घंटियां तथा शंख बजाए। उन्होंने जय 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 हरि उच्च स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, जय जय जगन्नाथ सबार पालन, कलियुगे मोस भारे करिवे पोषण, वृंदावन धन रस दिवे मोस भारे, निवेदन तुमार चरणे विश्वंभरे। ऐसे देवता लोग कह रहे थे, जय हो भक्तों के रक्षक तथा समस्त लोगों के स्वामी की जय हो। कलयुग में आप हमारा पोषण करने के लिए आए हैं। हे भगवान विश्वंभर, आपके चरण चरण कमलों में हमारी यही विनती है कि कृपया हमें वृंदावन का अमृत कोष प्रदान कीजिए। कम से कम देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सची माता बारंबार यह सब ध्यानपूर्वक देख रही थी। इस घटना से उत्पन्न आश्चर्य के कारण उनके मन को आघात पहुंचा। उन्होंने पुकारा, पुत्र पुत्र। वे अत्यधिक भयभीत थी। वे अपने लिए भयभीत नहीं थी, वे तो केवल अपने पुत्र के लिए भयभीत थी जो उनका एकमात्र प्राण धन था। उन्होंने तेजी से झपट कर बालक को उठाया और उसे जगन्नाथ मिश्र जी के पास ले गई। वे बेली, जहाँ तुम्हारे पिता सोते हैं उस कक्ष में कई देवी देवताएं नहीं हैं, तुम वहाँ जाओ और उनके भावों में खुशी खुशी से सो जाओ। मतलब सच्ची माता जो डर गई। जैसे जो है, जब भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ यशोदा माता, तो यशोदा माता भी डर गई थी। जब देखी कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि यशोदा माता ने सोची, ये मेरे बेटे के मुंह में कचरा कैसे आ गया। तो यशोदा माता इसलिए क्या करे कि सॉरी सची माता क्या की कि लेके जगन्नाथ मिश्र के पास सुला दी। अपनी माता का कहा मानकर विश्वंभर वहां चल दिए। यद्यपि उन्होंने पायल नहीं पहनी हुई थी, किंतु जब वे चल रहे थे, सची माता ने पायल के घुंघरों की ध्वनि सुनी। समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान गौर जब कक्ष से बाहर निकले तो सारे देवतागण हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। तब भगवान गौर ने कहा, हे देवताओं,
मेरी ओर घूर कर मत देखो, शिष्य राधा व कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो, ऐसे जो है आदेश दिए महाप्रभु किनको, देवताओं को। उन सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान ने उनसे शिष्य राधा कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का गुणगान करवाया। उनका स्पर्श करके भगवान गौरचंद ने उन्हें आनंदमय कर दिया। उन्होंने स्वयं भी विलाप किया तथा देवताओं को भी रुलाया। आंगन में जाकर भगवान गौर पुकारने लगे, राधा गोविंद। उन्होंने पुकारा, कालिंदी, यमुना, वृंदावन तथा देवतागण भी हर्षोल्लास से में पुकारने लगे, राधा राधा। अपने पुत्र की लीलाओं को देखकर सची देवी अचेत हो गई। यह सब कोलाहल सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र उद्विग्न हो गए। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है घर में? जगन्नाथ मिश्र ने पुकारा, सची, यह मैं कैसे शोर सुन रहा हूँ? भयभीत सची जोर से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर जगन्नाथ मिश्र बाहर की ओर दौड़े। उनका पुत्र माता पिता दोनों से चिपट गया। फिर यह देखकर कि उनके पुत्र के पांव में पायल नहीं है, वे अपनी सुध बुध खो बैठे। पायल तो है नहीं, लेकिन पायल का आवाज़ तो आ रहा था। उस पल उनके विचारों में भगवान की लीलाएं प्रकट हुई। तब सची ने उस सब का वर्णन किया जो उन्होंने देखा था। वो बोली, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवतागण स्वर्गिक विमानों पर यहाँ आए तथा हमारे पुत्र की सेवा की। जब देवतागण हमारे आंगन में नृत्य कर रहे थे तो हमारा पुत्र राधा कृष्ण का गान कर रहा था। मैंने यह सब सुना था। मेरे विचार में तो यह एक स्वप्न था। यह सब देखकर मैं डर गई। तब मैंने उसे आपके पास भेजा। उसके पाँव में पायल नहीं थी, फिर भी जब वह चल रहा था तब मुझे पायल की झंकार सुनाई दी। हमारे बालक का ऐसा तेजस्वी रूप है, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारी 7 पुत्रियां का निधन हो चुका है। अब यदि यह बालक भी हमें छोड़कर चला गया तो मैं और अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरे 5-7 बच्चे तो नहीं हैं। निमाई मेरी आँखों का तारा है। जैसे एक छड़ी एक अंधे व्यक्ति के लिए अत्यधिक बहुमूल्य वस्तु होती है, वैसे ही वो मेरे लिए बहुत अत्यधिक मूल्यवान है। जैसे शरीर मूल्यवान आत्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भी अपने गौर चंद्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। विघ्न आप निवारण हेतु प्रतिकार चिंत, बालक मंगल करो देव आदि अंत। कृपया उसे संकटों से बचाने का कोई उपाय कीजिए, कोई ऐसा उपाय जिससे प्रारंभ से लेकर आखिर तक समस्त देवतागण उसके लिए मंगल लेकर आए। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई। फिर सूर्योदय हुआ और तब सची का पुत्र अन्य बालकों के साथ खेलने चला गया। कुछ समय के लिए आंगन में जमीन पर लौटने व लुढ़कने के कारण वो धूल में भर गया। यह देखकर अप्रसन्न व दुखी सची माता बोली, तुम्हारा तेजस्वी शरीर एक स्वर्ण मूर्ति के सदृश है। मैं इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकती। यह तो आकाश में चंद्रमा के समान है। तुमने अपने सुंदर शरीर को धूल में क्यों लिपटाया? अपनी माता को बहुत अधिक परेशान करते हो तुम। ये वचन कहने के पश्चात सची माता ने धूल हटाकर साफ किया तथा अपने पुत्र को के मुख को चूमा। उनके शरीर के रोएं खड़े हो गए तथा उनकी आंखें लाल हो गई। दूसरे दिन सची का पुत्र अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ विचरण करने के लिए चला गया। गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे वे बानरों के साथ समान खेले। वे एक पांव पर खड़े हो गए। यह सुनकर सची माता भगवान गौर हरि को वापस लाने के गंगा तट पर पहुंची। एक घुटना ऊपर तथा दूसरा घुटना नीचे करके वो एक पांव पर खड़ा था। यह देखकर सची माता ने जोर जोर से उसे पुकारा,
अपनी माता को देखकर भगवान गौर भाग गए। वे एक पागल हाथी के समान दौड़ लिए। सची बोली, पकड़ो उसे, पकड़ो। ब्राह्मणों के शिरोमणि मेरे भगवान निरंतर भागते रहे, जैसे है ना दामोदर भागे थे यशोदा माता से। सची माता ने उनका पीछा किया किंतु उन्हें पकड़ नहीं सकी। भगवान गौर फिर घर भाग गए। एक बार घर पहुंच गए तो उन्होंने प्रत्येक पात्र वो प्रत्येक बर्तन को तेजी से झपट कर फेंका और सब तोड़ डाले। उन्होंने अपनी नाक की एक और अपनी उंगली टिका दी। सची माता उन्हें दंड देना चाहती थी। भगवान विश्वंभर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उनका संपूर्ण शरीर लज्जा से कांपने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना शीश झुकाया, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनका मुखारविंद चंद्रमा के तुल्य था। उनके नेत्र अधीर खजन पक्षियां के समान था। उनके अश्रु मोतियों की लड़ी के सदृश थे। भगवान गौर के मुखमंडल को एकटक निहारते हुए सची माता प्रेम से परिपूर्ण हो गई। उनको आलिंगन करके वे बोली, मेरे दुष्ट बालक। उन्हें अपनी बाहों में पकड़े हुए सची माता ने कहा, मुझे घर की इन समस्त वस्तुओं से तुम्हें दूर रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गौर हरि ने अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। सची माता के पास अपने पुत्र के मन को समझने व जानने की क्षमता नहीं थी। उनकी लीला रूपी तट रहित सागर वेदों या जगत के ज्ञान से परे है। उनके प्रबल अभिमान को समझने की सामर्थ्य सची माता में नहीं थी। वे जानती थी कि उनका पुत्र निमाई अत्यंत अधीर व नटखट है। अप्रसन्न चित्त रहित उन्होंने परम भगवान पर ध्यान लगाया। एक दिन परिणत आनियत नारी पूछिले न सभाकारे अनुनय करी कत साधे पुत्र मरे दिले न गोसाई क्षिप्त मत आचरण बुद्धि किछु नाई। एक दिन उन्होंने अन्य स्त्रियों से मिलकर उनके समक्ष एक प्रश्न तथा विनती रखी। वे बोली, मेरा पुत्र अत्यंत चंचल है, वो गंभीरता से विचार नहीं करता, अपने सनक से कार्य करता है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है, उसको समझ पाने की तो मुझमें क्षमता नहीं है, वो इस बात पर विचार ही नहीं करता कि उसके कर्म पवित्र है या नहीं है। यह सुनकर स्त्रियां दुखी होकर रोने लगी। भगवान गौरचंद से मिलकर उन्होंने उनका आलिंगन किया तथा कहने लगी, क्यों क्यों रे बालक, तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो। यह शब्द सुनकर भगवान गौर अत्यंत अधीर और नटखट हो गए। यह देखकर स्त्रियां उदास चित्त हो गई। उस समय उन्होंने वही सब देखा जिसका सची माता ने वर्णन किया था। स्त्रियों ने पूछा, उस बालक ने इस तरह के कार्यकलाप करना कब प्रारंभ किया है। तो सची देवी बोली, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कहूँ। एक रात जैसे मैंने अपने पुत्र को बाहों में लिया, समस्त देवतागण मेरे कक्ष में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने मेरे निमाई को एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। छड़ी के समान गिरकर वे उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। इसका मतलब दंडवत प्रणाम किए। निद्रा से उठते ही मैंने ये सब आश्चर्यजनक चमत्कार देखे। उसी समय से मेरा पुत्र बहुत अधिक स्वतंत्र हो गया है। यह सुनकर सभी ने सत्यनिष्ठापूर्वक कहा, हमारा विचार है उन देवताओं में से कोई एक देवता इसके शरीर में प्रवेश कर गया है। समस्त ब्राह्मणों को एक साथ एकत्रित करके जगन्नाथ मिश्र जी को ऐसा एक यज्ञ संपन्न करना चाहिए जिसमें
समस्त देवताओं का उनके नाम से बुलाकर आवाहन किया जाए, है ना। ऐसे ही जैसे ही जो है ना ब्रह्मांड दर्शन हुआ था यशोदा माता को, तो यशोदा माता ने यही की थी, सारे ब्राह्मण को बुला के स्वस्तिवाचन, है गौमूत्र में स्नान कराना, गोबर खिलाना, है ना, गोबर का लेप करना, ये सब की थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। यज्ञ के उस भाग में जिसमें वरदान मांगे जाते हैं, उन्हें अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब इस रीति से देवताओं की उपासना की जाती है, तब वे देवतागण यह स्थान छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएंगे। मतलब सोचे कि देवता जो है इसके ऊपर आवेश हो गए होंगे। सच्ची माता, चिंता मत कीजिए, हम यह निश्चित रूप से कहते हैं कि यदि आप देवताओं की आराधना करेंगी तो आप निर्भय हो जाएंगी। सच्ची देवी ने उन स्त्रियों की चरण धूलि ग्रहण करके उनसे विदा ली। फिर वे श्री जगन्नाथ मिश्र के पास गई और उन्हें पूरा वृतांत कह सुनाया। तब सच्ची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान करवाने के लिए ले गई। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित करके एक यज्ञ संपन्न किया। तब सच्ची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान करवाने के लिए ले गई और उन्होंने विचार किया, अब इसके नटखटपन का अंत हो गया है, अब नहीं करेगा ऐसे। भगवान विश्वंभर आगे आगे चले और सच्ची माता उनके पीछे पीछे, वे ध्यानपूर्वक देखती रही। जब भगवान एक अस्वच्छ स्थान पर गए, उन्होंने कुछ अस्वीकृत पात्रों का स्पर्श किया और ऐसा करना जारी रखा। यह देखकर माता सच्ची के मुख से निकला, हाय हाय, मेरा पुत्र अब और भी अधिक नटखट हो गया है, वो अच्छे कार्यों से तो दूर ही रहता है। तो एक्चुअली ना, जो मिट्टी का बर्तन होता है बंगाल उड़ीसा में, जब एक बार कुकिंग कर लेते हैं और भोग लगा देते हैं, तो उसको मतलब अछूत मानते हैं कि अब वो हो गया, मतलब उसके और यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ पात्र पड़ा हुआ था, मिट्टी का पात्र पड़ा हुआ था, तो उस मिट्टी का पात्र को जो है, तो महाप्रभु क्या किए, उसको छू लिए। तो फिर सच्ची माता कह रही है, बुरी बात है, बहुत बुरी। तो उनके वचन को सुनकर महाप्रभु कह रहे हैं कि शुचि अशुचि की बात, धर्माधर्म तत्व ना बुझी विचार कि छू मर ए जगत। शुद्ध और अशुद्ध क्या है, धार्मिक तथा अधार्मिक क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर खड़ा है। अब दर्शन बोल रहे हैं, यह भौतिक जगत पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा रूप से निर्मित है, यहाँ और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण चरण बिनु नाही अन्य धर्म, कृष्ण सर्वेश्वर स्वरेश्वर कही ल ये मर्म। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मर्म है कि भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी है। ये शब्द सुनकर सच्ची देवी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान गौरांग को अपने साथ लेकर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। घर वापस लौटकर उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र से कहा, हे महात्मा, कृपया सुनिए, हमारे लड़के ने क्या कर दिया। हमारा पुत्र समस्त यज्ञों का मूर्तिमान रूप है, यह धर्म के निष्कर्ष को जानता है, केवल वही इसे जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। वो एक अस्वस्थ स्थान पर बैठ गया और फिर वहाँ उसने ऐसे शब्द बोले जिन्हें मैंने एक बच्चे द्वारा बोलते हुए ना तो कभी देखा है ना कभी सुना है। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि भगवान का चरण ही सभी धर्म का मर्म है? तो पहली बार सुनी सच्ची माता। ये वचन सुनते ही जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को का अपने गले लगा लिया। वे बोले, तुमने एक अस्वच्छ या गंदे स्थान का स्पर्श किया है, परंतु अब सब ठीक हो गया है। तुम मेरे परिवार के दीपक हो, मेरी आंख के तारे हो। जैसे
शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। जब ये शब्द बोले जा रहे थे तो सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र दोनों ही अपने पुत्र के मुखमंडल को एकटक देख रहे थे। प्रेम से अभिभूत होकर दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनके लालिमा युक्त नेत्रों से अश्रुओं की सहस्र धारा बहने लगी। उनके शरीर के रोएं सीधे खड़े हो गए। उनके मुख से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। एक दूसरे का मुख देखकर दोनों के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई। इस प्रकार से लोचनदास प्रसन्नतापूर्वक गौर की भगवान गौर की महिमा का गान करते हैं। भगवान गौरांग की जय हो, भगवान गौरांग की जय हो। हाय हाय, मैं भगवान गौरांग के प्रति प्रेम के आनंद अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करता हूँ। दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण भगवान गौरांग का शरीर बढ़ने लगा। वे सुमेरु पर्वत के समान बन गए। उनके मधुर वचन अमृत से आप्लावित धाराओं के सदृश थे, जिन्हें सुनकर माता सची ने अनुभव किया कि उनका हृदय विस्मयपूर्ण आनंद से भर गया है। कभी कभी वे उन्हें कुछ बताती और भगवान गौर उसके जवाब में कहते, मुझे आपके द्वारा बोले गए कथन सुनाई नहीं दे रहे हैं। फिर वे उन शब्दों को विनोदपूर्ण रीति से चिल्ला कर कहती। तब भी वन पुष्पों की माला धारण किए हुए भगवान गौर केवल यही कहते, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ना माता कुछ कह रही होगी, स्नान कर लो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। माता सची मातृ प्रेम के कारण पूर्ण रूप से अभिभूत हो गई। क्रोध से उच्छृंखल होकर उन्होंने एक छड़ी उठाई, जैसे मानो वे उनका पीछा करेंगी। घमंडी बालक, तुम्हें मेरा कहा सुनाई नहीं दे रहा है? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे चावल का एक दाना भी नहीं दोगे। वे इस प्रकार बोली। तब भी सची देवी का पुत्र अपनी ही बात पर अड़िग रहते बोला, मैं अपनी माता के वचनों को नहीं सुन पा रहा हूँ। तब सची अत्यधिक क्रोधित हो गई। उनकी केवल एक नज़र ही पर्याप्त थी। भगवान गौर दौड़े और हाथ में छड़ी लिए हुए सची देवी ने उनका पीछा किया। भगवान गौर एक अस्वच्छ स्थान की ओर दौड़े जहाँ अस्वीकृत मिट्टी के पात्र फेंके गए थे। यह देखकर माता सची अपने सिर पर अपना हाथ रखकर क्रोधपूर्वक बोली, हाय 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 हाय। अब तो वे भगवान विश्वंभर पर और अधिक क्रुद्ध हो गई। वे अस्वीकृत पात्रों के ढेर के ऊपर चढ़ गए। माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उसके एकदम विपरीत किया। इस बात की अनुभूति होने पर सची देवी ने प्रसन्नतापूर्वक तथा स्नेहपूर्वक कहा, बोले कि जब मैं डांट रही हूँ तो यह तो और उल्टा कर रहा है। तो इसलिए फिर माता जो है थोड़ा शांत हो गई, थोड़ा अच्छे से बोलने लगी, बुलाने लगी। आई सो बाप छाड़ो जुगुप्सित कर्म, ए न है उचित तोर ब्राह्मणेर धर्म। आओ आओ मेरे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, आ जाओ आ जाओ। ये बुरे काम करना छोड़ दो, यह उचित नहीं है। तुम्हें ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म एक उत्तम परिवार में हुआ है। लोग क्या कहेंगे जब वे तुम्हारे भयावह कार्यों के विषय में सुनेंगे। आओ आओ पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, आओ और गंगा नदी के जल में स्नान कर लो। इस तनाव को न झेल पाने के कारण तुम्हारी माता का जीवन अनियंत्रित हो रहा है। आओ आओ मेरे गले लग जाओ। यदि तुम आकर मेरा आलिंगन नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं गंगा नदी में कूद कर डूब जाऊंगी।
अब तुम घर पर मैं अकेले रहोगे, रोते चिल्लाते एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमते रहोगे, ऐसे माँ कहती है कभी कभी है ना, मतलब थोड़ा डरा रही थी। तुम्हारा शरीर विशुद्ध स्वर्ण के समान है, तुम अपनी सुंदर देह पर राख क्यों मलते हो? मेरे प्रिय पुत्र, कृपया करके इस भयानक गंदे स्थान को छोड़ दो। तुम्हारे शरीर पर लिपटी राख चंद्रमा पर लगे दाग के समान है, क्योंकि वो जो मिट्टी का पत्र होता है, मिट्टी का पात्र होता है ना, तो जलता है, तो जलने के बाद फिर वो, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं तो जलता तो काला हो जाता है ना, तो वो काला जब भगवान जाके बैठ गए तो शरीर में पूरा काला लग गया, तो इसलिए कह रहे हैं। मेरे प्रिय पुत्र, कृपा करके इस भयानक गंदे स्थान को छोड़ दो। ये वचन सुनकर भगवान विश्वंभर क्रोधित हो गए। वे बारंबार यही कहते, तुम नहीं समझती, जब तुम स्वच्छ और अस्वच्छ शब्द बोलती हो तब तुम बुद्धिमता की बात नहीं कर रही हो। स्वच्छ क्या है, अस्वच्छ क्या है, मेरे प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करो। भगवान वहीं से प्रवचन देना शुरू कर दिए, कहाँ से, वो उसी गंदे स्थान में बैठ कर। ये वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर ने अपने हाथ में ईंट का एक टुकड़ा उठाया और इस ईंट से अपनी माता के सिर पर आघात किया। उस प्रहार से माता शची ने बेहोश होने का अभिनय किया। माँ माँ चिल्लाते हुए भगवान गौर रोने लगे। भगवान का रोना सुनकर गांव की स्त्रियां वहां दौड़ती हुई आई। उन्होंने शची माता के चेहरे पर गंगा जल छिड़का। शची माता पुनः होश में आ गई। जैसे ही होश में आई तो उन्होंने चिल्लाया, पुकारा, विश्वंभर, अपने पुत्र को अपने बाहों में लेकर शची माता पुनः अचेत हो गई। अपनी माता को देखकर विश्वंभर रोने लगे। फिर एक मुस्कुराती हुई तेजस्वी स्त्री उनसे बोली, विश्वंभर की ठोड़ी का स्पर्श करके वह उनसे बोली, अपनी माता के लिए दो नारियल ले आओ, तभी जाके माँ ठीक हो जाएगी। मेरी बात सुनो, तभी तुम उन्हें पुनः जीवित कर पाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मर जाएंगी। यह सुनकर भगवान विश्वंभर प्रसन्न हो गए और एक ही क्षण में वे दो नारियल लेकर वापस लौट आए। एक ही पल में उन्होंने स्नेहपूर्वक अपनी माता को दो नारियल दे दिए। यह देखकर स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई कि एक ही क्षण में यह लड़का दो नारियल कहाँ से ले आया। तब एक अन्य तेजस्वी वो लालित्यपूर्ण मनोहरी स्त्री ने धीमे से सौम्यता से भगवान विश्वंभर से पूछा, बच्चे तुम ये नारियल कहाँ से ले आए? तुम्हारी गतिविधियों से मुझे वास्तविक स्वभाव के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। ये कथन सुनकर भगवान विश्वंभर रोने लगे और अपनी माता के गले लग गए। होश में आ जाने के पश्चात शची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तथा उसके मुख कमल को लाखों करोड़ों बार चुमा। उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से उसके मुख और अंगों को पोछा और फिर उसके शरीर का गंगा जल से स्नान करवाया। स्नान क्रिया के उपरांत शची माता ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। आश्चर्यचकित होकर वे अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखती रही। तो यहीं से हम विराम देते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल की जय।